अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर सामने आ रही है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। नाज़रीन, CAA NRC के ख़िलाफ़ एहतजाज का चेहरा रही उज़्मा परवीन पर कुछ शरपसंदों ने आज लखनऊ में हमला कर दिया। ख़बरों के मुताबिक उज़्मा परवीन पर हज़रतगंज लखनऊ में वाक़ मल्टी लेवल पार्किंग के अंदर कुछ बाइक सवार बदमाशों ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन जब ही उज़्मा परवीन ने इस बदमाश का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया, जिससे वो गोली ज़मीन पर चली और उनकी जान बच गई। इस बहन ने जो बहादुरी का मुजाहरा किया है और उन बदमाशों से बग़ैर डरे अपना दिफा किया है, वो काबिल तारीफ़ है। इस हादसे की जानकारी खुद उज़्मा परवीन ने एक वीडियो बयान जारी करके दी है, देखिए ये वीडियो। आई हूँ अपना इस वक्त और सब कुछ करके आई हूँ, और उन्होंने जब मेरा आके हाथ पकड़ा था तो वो मेरे पैर पर गोली मारने जा रहे थे, मैंने उनका हाथ पकड़ के मोड़ दिया। बस मैं ये जानती हूँ कि जो ये घटना हुई है इसकी जिम्मेदारी क्या प्रशासन अपने सर पर लेगा। मैं पहले ही वॉर्न कर रही थी, बहुत दिन से मैं वॉर्न कर रही थी। मैं ये बस ये कहना चाहती हूँ, मेरे कदम अभी भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं इसी तरह से अपने काम करती रहूँगी, मैं अपने समाज के लिए काम कर रही हूँ, मैं लोगों के लिए काम कर रही हूँ, मैं गलत काम नहीं कर रही। इस तरह से किसी को परेशान करना क्या जिम्मेदारी नहीं बनती प्रशासन की लखनऊ की, कि वो कहने में अब तक के मुजरिम को ढूंढ के नहीं निकाल पाई। मैंने उनको सारे डिटेल्स दिए, मैंने इनकमिंग कॉल दी उन्हें सारे कॉलिंग के नंबर दिए, मैंने सब दिया है। क्या अभी तक के वो इस बात को तलाश नहीं कर पाए कि आखिर मुजरिम कौन है? इतनी लापरवाही की गई है मेरे मामले में। आज अगर मेरी हत्या हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? नाज़रीन, इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।